नमस्कार दोस्तों, बबताज किचन आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मूंग दाल की खास्ता कचौड़ी। दुकान पर बिकने वाली मूंग दाल की खास्ता कचौड़ी जैसा आज हम इस कचौड़ी को घर पर बहुत ही आसानी से बनाएंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी क्लिक कर दें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमने किन किन चीज़ों को लिया है। मैदा लिया है 500 ग्राम, देसी घी 250 ग्राम, इसके जगह आप रिफाइंड तेल भी ले सकते हैं। 1 चम्मच अजवाइन, स्वादानुसार नमक, 1 कप मूंग दाल को 2 घंटे पहले सोख करके रख लिया था और इसका पानी अच्छी तरह से निथार लिया है, 4 बड़ा चम्मच बेसन, 1 नींबू। मसालों में लेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चुटकी हींग, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच धनिया, धनिया को हमने दरदरा कूट लिया है, 10 से 12 काली मिर्च के दाने, इसको भी हमने दरदरा कूट लिया है, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको हमने कद्दूकस कर लिया है, और चीनी लेंगे 1 बड़ा चम्मच। तो सबसे पहले हम कचौरी का आटा गूंथ कर तैयार करेंगे। इसके लिए अब हम मैदे को 1 बड़े बाउल में डालेंगे। अब इस मैदे में 1/2 छोटी चम्मच नमक और अजवाइन डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अजवाइन को थोड़ा सा हाथों से क्रश करके डालें, इससे इसका टेस्ट अच्छा आता है। नमक और अजवाइन डालने के बाद इसमें हम करीब 200 ग्राम घी डालकर अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पूरी से थोड़ा सा टाइट आटा गूंथ कर तैयार कर लेंगे। घी की जगह आप रिफाइंड तेल भी डाल सकते हैं। अभी हमने मैदे में करीब 200 ग्राम घी डाला है और बाकी बचे घी का हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। घी मिलाने के बाद मैदे को हम हाथों में थोड़ा सा लेकर इस तरह से कस के मुट्ठी बांधेंगे। मैदा जब आपस में बाइंड हो जाए तो कचौरी का आटा परफेक्ट है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पूरे से थोड़ा सा टाइट आटा गूंथ कर तैयार करेंगे और इसे हम करीब 3 से 4 मिनट तक अच्छे से मसल कर गूंथेंगे। उसके बाद इसे हम सूती कपड़े से ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब तक आटा अच्छी तरह से सेट हो रहा है तब तक हम इसका स्टफिंग तैयार कर लेंगे। रुमाल को हमने पानी से हल्का सा भिगो लिया है जिससे आटा सूखे ना, और अच्छे से इसे ढक देंगे। कचौरी का स्टफिंग तैयार करने से पहले मूंग दाल को हम मिक्सी जार में डालकर करीब 4 से 5 सेकंड के लिए इसे हम दरदरा पीसेंगे। मूंग दाल को हम ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, बस हल्का सा दरदरा हो जाए उसके बाद हम इसे 1 बाउल में निकाल लेंगे। मूंग दाल को हमने इस तरह से पीस लिया है, अब जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम एक पैन में बचा हुआ घी डालकर घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे और इसमें मसालों में दिखाए गए सारी चीज़ों को डालकर 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। इन मसालों को डालते समय गैस के फ्लेम को स्लो रखें, नहीं तो मसाले जल सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। गैस की फ्लेम को हमने स्लो रखा है। कचौरी का स्टफिंग भूनने में भी आप देसी घी के जगह रिफाइंड तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे मसाले अब अच्छी तरह से भून गए हैं। अब हम इसमें बेसन डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और करीब 2 से 3 मिनट तक बेसन को भून लेंगे। देसी घी से बनी हुई यह कचौड़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। बेसन को हमने स्लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक भून लिया है। बेसन से अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब इसमें हम दरदरा पीसा हुआ मूंग दाल, चीनी, स्वादानुसार नमक और नींबू डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नींबू की जगह आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। नींबू डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप चाहें तो चीनी को अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन चीनी डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेंगे। मूंग दाल को हमने लगातार चलाते हुए 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लिया है।
कचौरी के स्टफिंग को आप अच्छे से ड्राई होने तक भूनें, क्योंकि कचौरी बनाने के बाद इसे आप हफ्ते 10 दिन तक एयरटाइट डब्बे में रखकर खा सकते हैं, यह ख़राब नहीं होती। स्टफिंग बनकर तैयार है। मैदा अच्छी तरह से सेट हो गया है। आइए अब हम कचौड़ी बनाना शुरू करते हैं। कचौड़ी बनाने से पहले मैदे के डो को हम थोड़ा सा फिर से मसल लेते हैं। मैदे के डो में से एक बड़ा सा टुकड़ा तोड़कर इसे हम अच्छे से रोल कर लेंगे, और रोल करने के बाद इसे हम चाकू की सहायता से एक बराबर लोइयां काट लेंगे। आप अपने पसंद के अनुसार छोटे या बड़े कचौड़ी बना सकते हैं। तो कचौड़ी खाने में बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगती है। इसे आप एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें। हमने सभी आटे की लोइयां बना ली हैं। अब हम इसे अच्छे से रोल कर लेंगे, इस तरह से थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे, और इसमें करीब एक चम्मच मूंग दाल का मिक्सचर रखकर अच्छे से बंद कर देंगे। इसे हम अंगूठे की सहायता से इस तरह दबाते हुए अच्छे से बंद कर देंगे। इस तरह से इसे हम बचे हुए टुकड़ों को तोड़ देंगे और अच्छे से बंद करके इस तरह से हथेली की सहायता से इसे हम दबा देंगे। इसी तरह से हम दूसरी कचौड़ी भी बना लेंगे। लोई को हम फैलाते समय अंगूठे की सहायता से साइड के हिस्सों को ही फैलाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। बीच के हिस्से को हम नहीं दबाएंगे, नहीं तो इसमें स्टफिंग भरने के बाद यह फट सकती है। इसी तरह से आप कचौड़ी का स्टफिंग भरकर तैयार करें। इसी तरह से हम सारी कचौड़ी का स्टफिंग भरकर तैयार कर लेंगे। कचौड़ी को फ्राई करने के लिए तेल बहुत ही हल्का गर्म चाहिए, तो तेल हमारा परफेक्ट गर्म है। अभी हमने गैस के फ्लेम को स्लो रखा है। अब इसमें हम हल्के हाथों से कचौड़ी डालकर इसे हम शुरुआत के 2 से 3 मिनट तक इसी तरह फ्राई होने देंगे। कचौड़ी को फ्राई करने के लिए तेल हमें ऐसा गर्म चाहिए कि तेल में जब कचौड़ी डाला जाए तब हल्के हल्के बबल्स आए, जैसा कि आप देख रहे हैं। कचौड़ी को तेल में डालने के बाद चम्मच से या फिर फोक की सहायता से इस तरह से घुमा लेंगे। उसके बाद इस कचौड़ी को हम 2 से 3 मिनट बाद हल्के हाथों से पलट लेंगे। इस कचौड़ी को फ्राई करने में करीब 8 से 10 मिनट तक का समय लग जाता है, लेकिन बहुत ही क्रिस्पी और खास्ता कचौड़ी बनकर तैयार होती है। इसे इसी तरह लो फ्लेम पर शुरुआत के 2 से 3 मिनट और उसके बाद मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई होने दें। इस कचौड़ी को आप हाई फ्लेम पर फ्राई ना करें, नहीं तो कचौड़ी अंदर से कच्ची और बाहर से लाल हो जाएगी। करीब 3 मिनट हो गए हैं। अब हम कचौड़ी को हल्के हाथों से पलट लेते हैं। कचौड़ी अब धीरे धीरे फूलने लगी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। कचौड़ी जब फूलने लगे उसके बाद हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे, और मीडियम और स्लो के बीच में इस कचौड़ी को हमें फ्राई करना है। दुकान पर बिकने वाली मूंग दाल की खास्ता कचौड़ी को आप बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। बाजार में समोसे या फिर खास्ता कचौड़ी के साथ हलवाई जो मीठी चटनी देते हैं उसे भी मैंने घर पे बनाया है,
जिसको मैं आने वाले वीडियो में अपलोड कर दूंगी। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। इस कचौड़ी को फ्राई होने में करीब 8 मिनट तक का समय लग गया है, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से क्रिस्पी खास्ता और स्वादिष्ट मूंग दाल की खास्ता कचौड़ी बनकर तैयार है। इसे आप एक बार बनाकर ट्राई करें, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। दूसरी बार कचौड़ियों को फ्राई करते समय तेल अगर कुछ ज़्यादा गर्म हो जाए तो थोड़ी देर के लिए गैस की फ्लेम को बंद कर दें और तेल को ठंडा होने दें, उसके बाद कचौड़ी को फ्राई करें। अब हम इसे टिश्यू पेपर पर निकालेंगे। यह कचौड़ी जैसे दुकान पर मिलती है बिल्कुल वैसा ही बनकर तैयार हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसी तरह बाकी के बचे कचौड़ी को भी फ्राई कर लेंगे। आइए अब हम इसे सर्व करते हैं। कचौड़ी को हम टुकड़ों में तोड़ लेंगे और एक बाउल में रखकर इसके ऊपर मीठी चटनी डालकर सर्व करेंगे। इस कचौड़ी को आप गर्म या ठंडा दोनों तरह से खा सकते हैं। इसके ऊपर आप तीखी चटनी भी डाल सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट मूंग दाल की खास्ता कचौड़ी बनकर तैयार है। इसे आप इस तरह से एक बार बनाकर सर्व करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी क्लिक कर दें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें। इस वीडियो के बारे में आप अपनी भी राय मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। एक बार फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।